हे एवरीवन, तो कल मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई मॉक टेस्ट दिया एंड परसों मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। तो ये अभी लेटेस्ट में यही चल रहा था आरबीआई का, तो इसका ही दिया। स्पीड तो ठीक ठाक है लेकिन परसेंटाइल इतना ठीक नहीं आया, लेकिन बहुत टाइम बाद दिया तो ठीक है। 672 नंबर आया इसमें, और इसका देखा जाए तो इंग्लिश में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ओनली 60 नंबर ही है। इंग्लिश में अगर नंबर अच्छे आ जाए तो ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। जिसमें से मेरे 9 तो इनकरेक्ट हो गए और 2 अनअटेम्प्ट है और 19 करेक्ट है, और एक्यूरेसी क्वांट और रीजनिंग में अच्छी है, 100% है मतलब, और ऑलमोस्ट हमेशा ही आती है। एंड अगर क्वांट में देखे तो 25 क्वेश्चन करें इसमें से 25 सही है, मतलब ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रही। एंड रीजनिंग में 31, एक पजल में हल्का सा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, अदरवाइज 35 पे 35 कर सकता था। तो क्या है, स्पीड तो ऑब्वियसली कम होना ही है। ये रहा, और एक और टेस्ट दिया था एंड ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, आरबीआई असिस्टेंट का ही है। इसमें 34 क्वेश्चन करे जिसमें से मुझको, ये क्या गलत हो गया था, हाँ ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ गई थी इसको। एंड इसमें मेरे को टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 7 मिनट के समथिंग मेरे को इसमें लग गए। तो ये समझ में नहीं आया इसकी जो दो दो चीज़ थी इसमें, जो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्लिक नहीं हो रही थी, और जिसमें से इसको पढ़ने में गलत हो गई, मतलब सिली मिस्टेक हो सकती हो दोनों में, और लास्ट तक ये पहुँच नहीं पाया मैं। मतलब 13 मिनट में मेरे ये 30 क्वेश्चन मेरे हो गए थे एंड 7 मिनट मेरे को इसमें ही लग गया ओनली। तो ये रीजनिंग का था एंड न्यूमेरिकल में नंबर सीरीज गलत हो गई, और एक ये क्वेश्चन गलत हो गया, और बाकी इसमें सब सही है। और इंग्लिश में तो पूरा ब्लेंडर हो रहा है यार, वरना एमबीए के एग्ज़ाम से पहले तो इंग्लिश में मेरे अच्छे खासे नंबर आने वाले, 20 से ऊपर पहुँचने लगे थे, और इसमें तो कल इसका मतलब एनालिसिस भी नहीं कर पाया था मैं, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। समथिंग 9:30 बजे घर आया था, वहाँ से निकला था 9:30 बजे। तो बस ये रहा, 2 मॉक टेस्ट दिए थे कल काफ़ी टाइम बाद, एंड कुछ फ्री क्विजेज भी दिए थे इसके सेक्शन टॉपिक वाइज, जिसमें से सिंप्लीफिकेशन का दिया था, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था, समझ में नहीं आ रहा था साला। और ये रहा, एंड ये क्वेश्चन वगैरह, नेटवर्क स्लो चल रहा है यार। तो ये क्वेश्चन कर रहा, एंड कुछ रीजनिंग के पजल वगैरह के भी दिए थे, सीधे थे और ज़्यादातर अड्डा से दिए थे, इसका तो शायद एक ही दिया था। एंड ये पजल का मिनी क्विज इससे सिर्फ एक ही दिया था, जिसमें बढ़िया रहा, इजी थी पजल। तो बस कल का दोस्तों यही रहा, थैंक यू सो मच, लगे हैं।